स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। इस बार भी हम लेकर आए हैं एक ऐसे सवाल का जवाब जो हमसे लाखों करोड़ों की तादाद में आस्तिक के चाहने वालों ने पूछा है कि क्यों थे लंका के राजा रावण के 10 सिर। जब हमने इस विषय पर वीडियो बनाने का फैसला किया तो आस्तिक की टीम निकल पड़ी एक नए सफर पर और सैकड़ों विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाताओं, पंडितों, यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार और मेडिकल एक्सपर्ट की स्टडी और रिसर्च के आधार पर हमने ये वीडियो तैयार किया है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। कहते हैं रावण के 10 सिर थे, क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, लेकिन वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था, इस कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए हों। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उन 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे वो पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहाँ पुनः नया अंग पैदा हो सकता है, यानी कि असल में रावण के ये सर कृत्रिम थे, आर्टिफिशियल थे, आसुरी माया से बने हुए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कुछ गिनती के स्थानों पर ही रावण के लिए 10 सिर सूचक यानी कि दशानन, दशग्रीव या दशखंदर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहां यह प्रयोग किया है वहां हम पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है, जबकि दूसरी जगहों पर रावण के लिए राक्षसेंद्र, लंकेश, लंकेश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंगों में रावण के मंत्रियों के नाम मिलते हैं। आश्चर्य है कि रावण की मंत्री परिषद में 9 मंत्री हैं और ये सभी मंत्री रावण के भाई, भतीजे, मामा, नाना आदि सगे रिश्तेदार हैं। रावण के ये 9 मंत्री हैं कुंभकर्ण, विभीषण, महापार्श्व, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपाक्ष और प्रहस्त। हालांकि एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब रावण की घायल बहन सुपर्णखा रावण की राज्यसभा में आती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। विंशत भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम, अर्थात उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण के मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। शिरोभिर दशभिर वीरम भ्राजमानम महोजसम। लेकिन यह बताना भी बेहद जरूरी है कि इससे ठीक पहले की रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सर और 2 हाथ ही देखते हैं। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग में प्रसिद्ध थे। मारिच जो कि ताड़का का बेटा था, उसका चांदी के बिंदुओं से युक्त सोने का हिरण बन जाना, रावण का सीता के सामने राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि वह राक्षस मायावी था। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल यानी जादू को जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल माना जा सकता है। दोस्तों, जब यही सवाल हमने कुछ मेडिकल एक्सपर्ट से पूछा तो उनका जवाब था कि रावण के 10 सिर एक बीमारी का परिणाम थे। तो आइए अब उनकी राय भी जान लेते हैं। हम हमेशा से यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि रावण के पास 10 सिर थे और इसके पीछे उसे मिले शिव के वरदान को आधार बताया जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण के 10 सिर उसे मिले अवतार के कारण नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन थी, तो क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे? बहुत से लोगों को हमारा यह कहना पूरी तरह बेबुनियाद और एक मजाक भी लग सकता है। कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि हम पौराणिक हकीकत का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। हालांकि बुजुर्गों के अनुसार रावण के 10 सर 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा, ये सभी रावण के 10 सरों के रूप में दर्शाए गए हैं। यानी कि यह कहा जा सकता है कि रावण के 10 सर प्रतीकात्मक हैं, ना कि प्राकृतिक और स्वाभाविक। अब यह रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है
कि रावण के सचमुच में 10 सिर थे या नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, हमसे इसी तरह से सवाल मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। हम आपके सवालों के आधार पर वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दें। जय श्री राम। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करें।